वाओ, गर्मा गर्म आपका दानेदार सूजी का हलवा बिल्कुल तैयार है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ पारुल। कुक विद पारुल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नवरात्रि चल रही है और हम सब माता के प्रसाद के लिए सूजी का हलवा जरूर बनाते हैं। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ सबसे दानेदार सॉफ्ट बहुत ही टेस्टी सूजी का हलवा बिल्कुल सही रेशो के साथ। एक बार आप इसका करेक्ट रेशो जान लेंगे तो आपका हलवा हमेशा एकदम स्वादिष्ट और दानेदार बनेगा हमेशा ही। तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज प्लीज लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें। सबसे दानेदार और बहुत ही जूसी सॉफ्ट सूजी का हलवा बनाने के लिए हमें चाहिए होता है एक परफेक्ट रेशो, यानी कितना क्वांटिटी हम लें चीजों की। तो सूजी का हलवा बनाने के लिए मैंने यहाँ लिए आधा कप सूजी, आधा कप चीनी और आधा कप देसी घी। तो हमेशा आप जो रेशो लें वो इस प्रकार से लें, अगर आप आधा कप सूजी लेते हैं तो इक्वल्स टू आधा कप चीनी, यानी चीनी सूजी और घी तीनों की ही मात्रा बिल्कुल बराबर होनी चाहिए। ये तो मैं कप से जैसे बता रही हूँ, आप अगर कप से नहीं किसी कटोरी से ले रहे हैं या बोल से ले रहे हैं तो अगर आप एक कटोरी सूजी ले रहे हैं तो आप एक कटोरी ही चीनी लें और एक कटोरी ही घी लें। तीनों का जो रेशो है वो हमेशा बराबर होना चाहिए, तभी आपका जो सूजी का हलवा है एकदम दानेदार और रंगत भरा बनेगा। सूजी आप कोई भी नॉर्मल वाली ले लें, थोड़ी मोटी सूजी रहती है तो काफी हलवा दानेदार और बढ़िया बनता है। बारीक से भी अगर आप इस रेशो से बनाएंगे और मेरे प्रो रेसिपी से बनाएंगे तो भी आपका हलवा बहुत ही स्वादिष्ट बनेगा। अब जो चौथी चीज आती है जरूरी, वो है पानी। हम पानी कितना लें हलवा बनाने के लिए, हमने यहाँ आधा कप सूजी ली, आधा कप सूजी का आपको चार गुना पानी लेना होगा, यानी कि हम लेंगे दो कप पानी। आधा कप सूजी है तो दो कप पानी, सीधे चार गुना करते हैं उसका, इतना हमें पानी चाहिए होगा। हलवा बनाने के वैसे तो बहुत सारे तरीके होते हैं, मैं आपको वो तरीका बता रही हूँ जिससे हलवा बहुत ही दानेदार सुंदर दिखता है और बहुत बहुत स्वादिष्ट बनता है। तो अब आप एक पैन चढ़ाएं, पैन में हम डालेंगे दो कप पानी, जो भी हमने आधा कप सूजी के हिसाब से लिया ना, चार गुना कर दिया, वही हम पानी डालेंगे। पानी के साथ ही हम इसमें डाल देंगे आधा कप चीनी और साथ ही में हम इसके डाल देंगे आधा छोटी चम्मच 3-4 इलायची का कुटा हुआ पाउडर, जो इसको बहुत बढ़िया फ्लेवर दे देगा और पानी में बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आ जाएगा। इसको भी अच्छे से मिक्स कर देते हैं। बस हमें इसको इतना करना है कि चीनी बढ़िया से इसमें घुल जाए, चाशनी पूरी नहीं बनानी है, बस घुलने भर तक इसको अच्छे से गर्म होने देंगे। जब आप सूजी का हलवा बनाते हैं और फिर ये गर्म पानी जब उसके ऊपर डलता है सूजी के ऊपर, तुरंत सूजी फूल जाती है और एकदम जूसी सी हो जाती है। तो इस ट्रिक से जब भी हलवा बनाएंगे वो बढ़िया ही बनेगा। आप सबसे पहले गैस पर एक कढ़ाई चढ़ाएं और कढ़ाई में हम डालेंगे घी, फ्लेम को मीडियम रखेंगे। हम ये माता के प्रसाद के लिए बना रहे हैं तो घी का ही इस्तेमाल करेंगे, और वैसे भी हलवा वगैरह सब घी में ही बहुत स्वादिष्ट बनते हैं। घी अब मेल्ट हो गया है, इसमें हम डालेंगे बारीक कटे बादाम, लगभग 5-6 बादाम लेकर मैंने बारीक कट कर लिया है। तो जब ड्राई फ्रूट्स डालें तो हल्का सा उनको अगर इस तरह से आप फ्राई कर लेंगे ना, रोस्ट कर लेंगे तो बहुत ही बढ़िया स्वाद आएगा हलवे में। और साथ ही हम इसमें डालेंगे थोड़े से काजू चॉप्ड। ये सब चीज़ें इस तरह से बहुत ही बढ़िया लगती हैं, तो आप क्या करें ना, पहले ही फ्राई कर लें तो उससे बढ़िया स्वाद आ जाएगा। अब हम इसको हल्का सा गोल्डन भून लेंगे। अब आप देख सकते हैं हल्का गोल्डन सा कलर आ गया है काजू वगैरह में। इस स्टेज पर अब हम डाल देंगे थोड़ी सी किशमिश। किशमिश पहले से बिल्कुल मत डालिएगा वरना क्या होगा कि ये पूरी जल जाएंगी, क्योंकि जल्दी भुन जाती हैं। तो बस इस तरह किशमिश जैसे ही आप गर्म घी में डालेंगे ये तुरंत से फूल जाती हैं। फ्लेम को आप यहाँ बिल्कुल लो टू मीडियम रखें। ड्राई फ्रूट्स बिल्कुल बढ़िया से भुन गए हैं, फ्लेम को लो कर देंगे और सारे ही ड्राई फ्रूट्स को एक प्लेट पर निकाल लेंगे जिससे ये बिल्कुल जले नहीं। इस तरह से करछी से सारा आप निकाल लें। यहाँ पर आप बिना ड्राई फ्रूट्स के भी बना सकते हैं हलवा, अगर आप प्लेन पसंद करते हैं तो ड्राई फ्रूट्स ना डालें, आप नारियल का बुरादा डाल लें यानी कि डेसिकेटेड कोकोनट, लेकिन उसको भूनने की कोई आवश्यकता नहीं है, वो बाद में जब पूरा बन जाएगा हलवा तब हम डाल सकते हैं। अब उसी घी में हम डालेंगे सूजी और सूजी को बिल्कुल बढ़िया से एकदम गोल्डन भून लेंगे। सूजी का बिल्कुल परफेक्ट भुनना बहुत जरूरी है वरना क्या होगा कि हलवा आपका पेस्ट जैसा, देखा है ना कि कभी कभी हलवा सफ़ेद सफ़ेद सा पेस्ट जैसा बन जाता है, बिल्कुल स्वाद नहीं होता वैसा हो जाता है। लेकिन इस तरह से जब आप गर्म घी में सूजी को बढ़िया भून लेंगे तो सूजी एकदम से फूल जाएगी और उसका अच्छा टेक्स्चर भी आ जाएगा। यहाँ पहले से सूजी भूनने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब हम घी में सूजी भूनते हैं तो उससे बढ़िया टेक्सचर आता है, एक ही बार में सूजी भुन जाती है, दो दो बार भुनने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। इस तरह से लगातार चलाते हुए लगभग 5 मिनट के करीब लो मीडियम फ्लेम पर
और अगर आप बिना भुने हुए ड्राई फ्रूट्स डाल रहे हैं तो इस स्टेज पर डाल दीजिए ड्राई फ्रूट्स। तो क्या होगा कि ड्राई फ्रूट्स यहाँ भी सूजी के साथ हल्के से भुन जाएंगे और बहुत बढ़िया से फिर मिक्स हो जाएंगे। और ये देखिए, मैं आपको बिल्कुल पास से दिखाती हूँ कि किस तरीके से सूजी का दाना दाना फूल रहा है और किस तरह से सूजी एकदम सॉफ्ट और मॉइस्ट होती जा रही है। ये देखिए, और ये देखिए बिल्कुल बढ़िया गोल्डन हमारी सूजी भुन गई है। मैं आपको पास से दिखाती हूँ। ये देखिए आप सूजी का एक दाना देखिए, एकदम बढ़िया। बिल्कुल इतना ही हमें भुनना होगा, गैस को बिल्कुल लो कर दें। और अब हम ये चीनी इलायची वाला पानी इसमें डालेंगे बिल्कुल सावधानी से और लगातार चलाएंगे लो फ्लेम पर। साथ ही इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा केसर का दूध, एक चम्मच हल्के गर्म दूध में मैंने थोड़े से केसर के धागों को भिगो दिया था अच्छे फ्लेवर और खुशबू के लिए। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, इससे टेस्ट बहुत बढ़िया आता है, कलर बहुत अच्छा आ जाता है। साथ ही में हम डाल देंगे हमारे भुने हुए ड्राई फ्रूट्स जो अभी हमने भुने थे। सभी चीज़ों को लो फ्लेम पर मिक्स करेंगे अच्छे से और अब सूजी को बढ़िया से इसमें पकने देंगे। बहुत ही जल्दी इस प्रकार से सूजी का हलवा आपका बन करके तैयार हो जाएगा। और आप इसके दाना देख सकते हैं, यूं ही दिख रहा है कि एक एक दाना इसका फूल गया है और बिल्कुल दानेदार हमारा हलवा तैयार हुआ है। और ये देखिए, मैं कुछ पास से आपको दिखा रही हूँ, इसका टेक्सचर देखिए, पूरा घी इसमें से रिलीज हो रहा है, यानी ये घी छोड़ रहा है। हलवा हमारा बिल्कुल गाढ़ा भी हो गया है, बहुत ज़्यादा गाढ़ा बिल्कुल नहीं करेंगे क्योंकि ठंडा होके ये भी और थिक हो जाएगा। तो बस इतनी ही कंसिस्टेंसी का, ये देखिए परफेक्ट। ये देखिए क्या गजब का हमारा हलवा बना है। एक एक आप दाना देख सकते हैं किस तरह से सूजी हमारी फूली और एकदम मॉइस्ट और जूसी लग रही है। ये होती है खास बात इस तरह से हलवा बनाने की। गैस को ऑफ कर दें और अब इसको करते हैं सर्व। और अब आ गया इसको सर्व करने का टाइम। ये देखिए वाओ, गर्मा गर्म परफेक्ट नाप के साथ आपका सूजी का हलवा बिल्कुल तैयार है। अब इसके ऊपर आप और डेकोरेट करना चाहते हैं तो आप चाहें तो और ड्राई फ्रूट्स डाल दें या फिर आप यहाँ सिर्फ नारियल का बादा यानी डेसिकेटेड कोकोनट डाल करके भी इसको एंजॉय कर सकते हैं। और ये लीजिए बिल्कुल तैयार है दुर्गा माँ के प्रसाद के लिए बहुत ही स्वादिष्ट एकदम दानेदार सूजी का हलवा। और ये देखिए कितना सुंदर इसकी लुकिंग लग रही है, मैं आपको पास से दिखाती हूँ उठाकर। ये देखिए एकदम दिख रहा होगा, एकदम जूसी हमारी सूजी और एकदम दानेदार। ये देखिए बहुत बहुत ही स्वादिष्ट बनता है इस तरीके से हलवा, आप जरूर बनाइए और मुझे जरूर बताइएगा कि आपका हलवा कैसा बना। ये देखिए मैं बिल्कुल आपको पास से हलवा दिखा रही हूँ, बिल्कुल देख सकते हैं कि एकदम सूजी हमारी दानेदार और एकदम बढ़िया हमारा हलवा बना है परफेक्ट कलर का, एकदम दानेदार सूजी और वो भी रस से भरी हुई बिल्कुल मॉइस्ट हलवा आपका तैयार होगा। तो जरूर बनाएं और मुझे जरूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो बस अब नहीं होगी आपसे कोई भी गलती, अब चाहे बिगनर हो या बैचलर हो, जो भी नए नए जो स्टार्ट किया है किचन, सभी लोग अब आसानी से इस परफेक्ट रेशियो के साथ एकदम दानेदार टेस्टी हलवा बना सकते हैं। अब सभी करेंगे आपके हलवे की तारीफ। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज 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 लाइक जरूर कीजिए, सभी के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग कुक विद पारुल। जय हिंद जय भारत।